हेलो दोस्तों, मैं अभय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर सीक्रेट्स ऑफ ब्लैक मैजिक ऑफ सक्सेस। इफ यू विल फॉलो दीज फोर सीक्रेट्स, यू विल अचीव सक्सेस वेरी सून, वेरी फास्ट। इट इज द फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है परसेप्शन। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में उनका नजरिया, और जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं लाइफ में उनका नजरिया बिल्कुल ही अलग होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका दुनिया को देखने का नजरिया बहुत ही डिफरेंट होता है। वो हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उनका नजरिया कैसा होता है? वो हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हैं, पीछे से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है वो क्या सोचेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ? वो हॉर्न थोड़ी ना बजाएगा, वो एक सॉल्यूशन ढूंढेगा कि अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, तो इसमें एक पॉजिटिविटी ढूंढेगा। और जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो क्या करेंगे? वो हॉर्न बजाते रहेंगे, जबकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने परसेप्शन को हमेशा अच्छा रखें, क्योंकि मुसीबतें तो चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। जो फूंक मार करके पी जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो उसको मुसीबतों को अपनी लाइफ में उतार लेता है और रोता रहता है वो अनसक्सेसफुल रह जाता है। तो अपने परसेप्शन को ठीक रखें, अपनी लाइफ की थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, यू विल बी सक्सेसफुल फॉर लाइफ। सो हियर अनदर सीक्रेट इज choices। आपकी लाइफ में choices क्या क्या हैं? आपकी choices ही जो आज आप अपनी लाइफ में चूज करेंगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। बचपन से आपको choices ही मिली हैं कि आपने, आपको मान लो खाने के लिए कोई दिया जाए, एक तरफ आपको मिला डेजर्ट, रसगुल्ले दिए जाए, और एक तरफ आपको कपकेक दिया जाए, आप चूज करेंगे कपकेक को। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी चॉइसेस, आपको लगता होगा कि एक कप के खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको रेगुलर खाते हैं तो आगे चल के आप फैट हो जाएंगे, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो आपने चॉइस बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ पर आप इसका इम्प्रेशन पड़ेगा। तो आपकी चॉइसेस डिसाइड करती हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आज संभल करके चूज करें, राइट पाथ को चूज करें, फिर आप आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे लाइफ में। अपनी चॉइसेस को क्लियरिटी के साथ चूज करें, बिकॉज चॉइसेस आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ विच डिसाइड आवर फ्यूचर। नंबर 3 सीक्रेट इज फेलियर। यस, फेलियर इज इम्पॉर्टेंट। आपको लगता होगा कि फेलियर क्या, हमें तो जीतना है, तो फेलियर इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? नहीं, अगर इलॉन मस्क का तो एक बहुत ही फेमस कोट है कि फेलियर इज एन ऑप्शन। अगर आप अपनी लाइफ में फेल नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप फेल नहीं होते हैं अपनी लाइफ में तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं हो रहे हैं लाइफ में। जहां हैं वहीं रहेंगे आने वाले फ्यूचर में भी। तो आपको कुछ नया इनोवेट करना है तो आपको फेल होना पड़ेगा, आपको डेली अपनी फेलियर को ट्रैक करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। ओनली इन 30 डेज इफ यू विल ट्रैक योर फेलियर्स, डेली ट्रैक 5 फेलियर्स, इंप्रूव देम, एंड यू विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल इन 30 डेज। टेक दिस चैलेंज, यू विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल। फेलियर इज एज इंपॉर्टेंट एज विनिंग, बिकॉज फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी। आपकी सक्सेस की जर्नी का एक पार्ट है फेलियर। सो हियर फोर्थ टिप इज कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अगर हम किसी भी चीज को लगातार करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हमें बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगी। आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी कि अगर एक बूंद, छोटी सी बूंद किसी पत्थर पर अगर एक ही जगह पर कंसिस्टेंसी के साथ बार 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 गिरती जाए तो एक पत्थर में भी छेद कर सकती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर हम एक काम को रेगुलर करते जाते हैं तो हम उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, लगे रहते हैं तो हमें एक्सपर्टीज हासिल होती है। मोहम्मद अली ने पता है क्या कहा है? मोहम्मद अली ने कहा है कि
कि मुझे एक्सरसाइज करना, ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने उसको कंसिस्टेंसी के साथ किया। मैं लगा रहा, इसीलिए मैं आज महान बना हूँ, इसलिए मैं आज एक महान बॉक्सर बना हूँ। तो किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो लाइफ में आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, और अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करते करते आप एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनेंगे। तो ये जो चार सीक्रेट्स मैंने बताए हैं, आपका परसेप्शन, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। दूसरा है चॉइसेस, आप जिन चीज़ों को चूज करते हैं वो आपके फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तीसरा फेलियर इज सेम इम्पॉर्टेंट एज विनिंग। फोर्थ इज कंसिस्टेंसी, आपको किसी भी काम को रेगुलर करना है। तो ये थे चार सीक्रेट्स ब्लैक मैजिक ऑफ सक्सेस, काला जादू सक्सेस के लिए। तो आज की इस वीडियो को फॉलो करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।